अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत अच्छी सी रेमेडी। वो रेमेडी क्या है? वो रेमेडी ये है, कौन नहीं चाहता कि उसके विंटर में स्किन क्लास स्किन जैसी हो जाए, कि उसके स्किन इतनी चमके इतने निखरे कि आप लोग खुद अपना चेहरा देख देख कर थके ना, आप लोग का खुद दिल चाहे कि आप लोग शीशे के पास से बिल्कुल हटे ही ना, बस बैठे के बैठे रहें और ख़ुद को देखते रहें प्यार प्यार से। तो आज मैं आपको ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप लोग ऐसी स्किन कर सकते हैं अपनी, वो भी नेचुरल रेमेडी से जिसके ना कोई साइड इफेक्ट है और ना ही कोई नुकसान। हम नहीं चाहेंगे कि उसकी स्किन चमके निखरे गोरी हो और उसका स्किन जो है ग्लो 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 हो। तो बहुत अच्छी सी रेमेडी है। जाहिर सी बात है विंटर्स आ गए हैं और विंटर्स आने के बाद बस आपको पता है ड्राइनेस तो पार्ट ही होता है हमारी स्किन का विंटर्स में। तो आज मैं आप लोग का लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी सी रेमेडी जिसको आप लगा के बहुत ज़्यादा खुश होंगे इंशाल्लाह। जो रेमेडी है इसके हैं 3 स्टेप्स। ये सबसे पहले है क्लेंजिंग, उसके बाद है स्क्रबिंग और फिर उसके बाद है मसाज। तो चलिए चलते हैं वक्त ज़ाया करें बिना अपनी वीडियो पे। पर वीडियो पे जाने से पहले आपको पता है ना क्या करना है, पता है ना? तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, जल्दी से जाइए रेड बटन पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए और बराबर में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो टाइमली आप तक आ सके और आप जल्दी जल्दी फौरन से मेरी वीडियो देख सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्लेंसिंग है सबसे पहला स्टेप। तो हमें इसके लिए चाहिए मिल्क। मिल्क तो आपको पता है कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, पीने के साथ साथ ही स्किन पर लगाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मिल्क के बेनिफिट कौन नहीं जानता, वो सभी जानते होंगे। और आपको याद हो तो पुराने ज़माने में जो बहुत अच्छी मतलब हुसैन की मलकाएँ होती थी वो दूध से नहाया करती थी, वो इसलिए नहाया करती थी कि उनकी स्किन जो है सॉफ्ट रहती थी, स्मूथ रहती थी, ग्लो लगती थी और साथ में उनकी स्किन गोरी हो जाए करती थी। तो हमें क्या करना है, हमें दूध लेना है, फ्रेश मिल्क लेना है और उसमें हमने डालनी है कॉटन पैड। ठीक है, देखिए हम ऐसे इसको डिप कर देंगे कॉटन पैड को और फिर हम इसको थोड़ा सा यूं करके निचोड़ेंगे। निचोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी स्किन को ऐसे पूरा क्लेंस करेंगे। ऐसे हम अपनी स्किन को पूरा क्या करेंगे, क्लेंस। देखिए ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो मैल है सब आप निकल जाएगा और आपकी स्किन जो है वो चमकेगी निखरेगी, आपके जो फेस की गंदगी है सब दूर हो जाएगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे फेस को ऐसे इससे क्लेंस करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपको क्लेंस करना है अपने पूरे फेस को और उसके बाद आप हल्के हल्के हाथों से ऐसे कर लिएगा। ठीक है, ये देखिए मसाज कर लिएगा और मसाज करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मसाज करिएगा और उसके बाद वॉश कर लिएगा। तो मैं ये वॉश करके आई हूँ, ये देखिए। तो ये मैं वॉश करके आ गई हूँ, आप देखिए स्किन इतनी ग्लो हो जाती है खाली क्लेंजर करने से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हमें बनाना है स्क्रब। स्क्रब के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा चाहिए ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ये साइडों में ये जो होते हैं ना नोके नोके नोके, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, देखिए मैं ऐसे इसको रिमूव कर रही हूँ, आपको ऐसे रिमूव कर देना है दोनों साइड से। सही, ये एलोवेरा इतना ज़बरदस्त होता है हमारी स्किन के लिए कि बस बहुत पसंद है मुझे ये एलोवेरा और मैं इससे रोज़ाना अपने फेस की क्लेंजिंग करती हूँ। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ और यहाँ से तो देखें कट कर ही लिया है, इसके जो कांटे बोले पता नहीं क्या बोलते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर वाला जो पीस है ना इसको भी काटना है। ठीक है, इसको भी मतलब जो ना इसके जो छिलका है वो उतार देना। तो ये मैं उतार रही हूँ, उतर जाओ उतर जाओ जी। तो देखिए मैंने इसका जो ऊपर का जो छलका होता है ना वो उतार लिया है। अब देखें ये तो बहुत बड़ा है ना, तो मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा कट कर लूँगी, थोड़ा सा मतलब जो है ना जितना मुझे चाहिए अपने फेस के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए मैंने इतना ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी। ये देखिए, देखिए हमने डाली इसके अंदर कॉफ़ी। ठीक है, अपनी कॉफ़ी को आप जो है पूरे एलोवेरा पे स्प्रेड कर लें, फैला लें। ये देखिए
कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें इससे करनी है स्क्रबिंग। मैं अपने हेड पे नहीं दिखा रही क्योंकि बाल मेरे खुले हुए हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं आपको अपने हैंड पे दिखा रही हूँ। ये देखिए आपको क्या करना है, आपको करनी है ऐसे स्क्रबिंग एलोवेरा के साथ। ठीक है, ये इतना ज़बरदस्त है, आपकी स्किन को इतना स्मूथ स्क्रब करता है कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये स्क्रबर है, ये देखिए, ये देखिए आपको ऐसे क्या करना है, अपने पूरे फेस पे स्क्रबिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए 5 मिनट तक आपको अपने पूरे फेस पे ऐसे स्क्रबिंग करनी है कॉफ़ी डाल के। एक तो मुझे कॉफ़ी इतनी पसंद है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है और मुझे उसकी खुशबू तो और भी पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे ना खुशबू से कुछ होता है और उसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है एलोवेरा के साथ मिलकर। तो जो है ना आपको क्या करना है, इसको स्क्रबिंग करनी है। ये इतने मज़े का स्क्रब है कि आपके स्किन को इतना सॉफ्ट स्मूथ कर देता है और साथ में आपकी जो डेड स्किन है ना, मतलब जो विंटर्स की वजह से आपकी डेड स्किन हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन जो होती है पैची पैची सी लगती है, ड्राइनेस जम जाती है, वो क्या करता है इस सबको हटा देता है स्क्रब करके। ये जो एलोवेरा और ये विटामिन एलोवेरा और जो कॉफ़ी है, ये क्या करता है आपकी सब डेड स्किन को हटा देता है स्क्रब करके। बहुत मज़े का होता है। आपको 5 मिनट इसको ऐसे स्क्रबिंग करके अगेन इसको ऐसे मसाज करना है अपनी स्किन पे और फिर आपको इसको वॉश कर लेना है। जब आप वॉश करेंगे ना, आप सेकंड स्टेप में बोलेंगे बस मुझे तो मिल गया अपने स्किन का हल, बस मुझे यही करना है। आप लोग 3 डेज ये करके देखें, आप लोग खुद ना हैरान रह जाए तो आप लोग बोलिएगा, आप लोग कमेंट में आके बताएगा कि नहीं ये रेमेडी काम नहीं करती। पर ऐसा तो होगा ही नहीं क्योंकि ये है ही इतना अच्छा। रुकी है, पर अभी 3rd स्टेप बाकी है हमारा, इसमें हम हमारा जो है, पर 2nd स्टेप में ही आप लोग इस रेमेडी के दीवाने हो जाएंगे क्योंकि है ही इतनी ज़बरदस्त रेमेडी। तो ये मैं वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको अपना हैंड दिखाती हूँ। जी तो देखिए मैं आ गई हूँ वॉश करके, ये देखिए हैंड का, ये देखिए आप ग्लो देखिए, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्लो आ रही है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, ये हमारा हो गया स्क्रबिंग, स्क्रबिंग 2nd स्टेप था हमारा। और अब 2nd स्टेप पे पहुँचते ही 3rd स्टेप सुनने के लिए बेताब हो जाएंगे क्योंकि आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है इन 2 स्टेप से कि आप लोग सब परेशान हो जाएंगे कि 3rd स्टेप और कितना मज़े का होगा, कितना अच्छा होगा। तो सर 3rd स्टेप बहुत इजी है और आपको पता है मैं मुश्किल रेमेडीज़ तो कभी बनाती ही नहीं हूँ, मैं ऐसे ही रेमेडीज़ बनाती हूँ जो आप सब ईजिली ले सकें, ट्राई कर सकें, अपने फेस को ग्रूम कर सकें, अपनी स्किन को अच्छा बना सकें, खूबसूरत बना सकें और वो सब इन्ग्रीडियंट आपके पास ईजिली अवेलेबल हो जाए, ज़्यादातर तो आपके किचन से ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे 3rd स्टेप क्या है, हमें मसाज करना है अपने, थोड़ा कोई हमें काम नहीं करना, हमें क्या करना है बस हमें चाहिए 1 विटामिन ई का कैप्सूल। आप लाल ले लो, हरा ले लो, पीला ले लो, कोई सा भी ले लो, ये 3 कलर के ही मिलते हैं, लाल हरा और पीला, येलो ग्रीन एंड व्हाइट। ठीक है, तो आपको मुझे ये मिला था तो मैंने ये ले लिया। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसको करना है ऊपर से कट, आपने कट कर दिया। अब इसमें से जो निकल रहा है ऑयल, उसको आपको अपने फेस पे 1, 2, 1, 2, 3 ड्रॉप्स ऐसे आपको डाल लेने हैं और फिर आपको ऐसे मसाज करना है अपनी स्किन पे। ये देखिए ये इतना ज़बरदस्त है विटामिन ई, विटामिन ई हमारे, मतलब क्या कौन से इसके बेनिफिट्स हैं, हमारी स्किन के लिए विटामिन ई बेस्ट, हमारे हेयर्स के लिए विटामिन ई बेस्ट और हम इसको को इंटेक भी ले सकते हैं, मतलब इसको हम खा भी सकते हैं और लगाने के लिए तो ये इतना बेस्ट है, इतना ग्लोई बना देता है कि आप लोग जब ये ट्राई करेंगे तो आप लोग खुद इसके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। आपको बस क्या करना है, अपने स्किन पे ऐसे मसाज करना है, आप यकीन जाने इतना ज़बरदस्त है, आपकी स्किन को ग्लोई ग्लोई करेगा। सर्दियों में आइए आपकी स्किन, जब आप इसको ट्राई करोगे तो सर्दियाँ हैं, ये सर्दियों में आपकी स्किन को
पैची पैची नहीं बनाएगा, जो ड्राइनेस जगह जगह जम जाती है वो नहीं करेगा, आपके स्किन को नॉरिशमेंट पहुंचाएगा, ग्लो बनाएगा और मॉइस्चराइजर का काम भी करेगा, क्योंकि ये ऑयल है विटामिन ए वाला और ये आपके स्किन को ग्लो देगा। साथ साथ में आपके जो ड्रंक है उसको वन टोन आगे करेगा। आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने के निशान हैं, अक्सर होता है लड़कियाँ ना मतलब झेल लेती हैं एक्ने को, तो उनके जो ना वहीं पर निशान हो जाते हैं, तो ये इन सबको दूर करेगा। तो बस आप लोग ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिएगा, बस जल्दी से चाहेगा और ये ट्राई करिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दिएगा। आपको इसको 5 मिनट मसाज करने के बाद अपने चेहरे को थोड़ा सा रख के, यानी 5 मिनट मसाज करें, 5 मिनट रखने के बाद वॉश कर लिएगा। आप यकीन जाने आप इस रेमेडी को बहुत पसंद करेंगे, इंशाल्लाह आपको रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। तो होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। जाहिर सी बात है विंटर से, और मैंने जो आपको बताई है मैजिकल रेमेडी, ग्लो रेमेडी, तो आपके इससे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, जो आपकी ड्राइनेस है या जो आपकी डलनेस है आपकी स्किन की, वो सब खलास हो जाएगी। आपको क्या करना है, अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी, इन्नी सी भी, चुन्नी सी भी अगर पसंद आई होगी, तो मुझे सब्सक्राइब करना है। आप लोग छुपके छुपके जो देख रहे होते हैं ना, मैं सबसे हिसाब लूँगी एक दिन, देखिएगा। मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जय बस जाएं, जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे शेयर करें आगे मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।